मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय समारोह शिमला में राजभवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के रूप में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश भर से एकत्र मिट्टी से भरे 88 कलश दिल्ली के लिए रवाना किए। ये मिट्टी दिल्ली में बनने जा रही अमृत वाटिका में शामिल की जाएगी। दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश से 658 युवा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश जैसे अभियान ने देश में जन भागीदारी को सुनिश्चित बनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम बलिदानियों को चिन्हित करने के साथ उन्हें याद करना है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका देश को गौरवान्वित करेगी। स्वतंत्रता देश की हुई है, इसको सभी लोगों को महसूस करने के लिए यह एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन अनाम शहीदों के लिए है जो इस देश के लिए अपने प्राण दिए और जिनको कोई जानता तक नहीं था, उनके नाम से दिल्ली में अमृत वाटिका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। आज वहां लोग गौरव की अनुभूति करते हैं जब उस राजपथ पर ब्रिटिशर्स की नई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं। ऐसे ही यह जब अमृत वाटिका बनेगी, स्तूप बनेगा, लोगों का नाम आएगा उन शहीदों का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक गौरव का भाव होगा। और यह एक प्रत्येक गांव से प्रत्येक घर से जो मिट्टी गई है, तो ये जो युवा लेकर के जा रहे हैं उसमें नेहरू युवा केंद्र के लोग के युवा स्वयंसेवक हैं, आईटीबीपी के लोग हैं जो अपने प्रत्येक दर्रों से मिट्टी ले आकर के भेज रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समझिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह किस प्रकार से देश के लोगों में वह जज्बा भरने का काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से एक देशवासी के लिए होना चाहिए। ईरा प्रभात, राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र हिमाचल प्रदेश। मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत राज्य स्तरीय ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में 88 ब्लॉकों से हमने 88 कलश मिट्टी के जो हैं वो एकत्रित किए हैं, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और हिमाचल सरकार, आईटीबीपी और पोस्टल के अधिकारी वर्ग सभी ने हमारा सहयोग किया है। हमने गांव-गांव और पंचायतों से मिट्टी एकत्रित करके और वीरों को समर्पित ये जो हमने मिट्टी एकत्रित की है, ये कर्तव्य पथ पर जो मॉन्यूमेंट बन रहा है, जो स्मारक बन रहा है, उसमें समर्पित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 658 युवा जो है इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से 75,000 के करीब युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।